नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, अभी देखेंगे कि हम मंडे को किस स्टॉक में ट्रेड करना है और वो स्टॉक कितना एक्यूरेट होगा, कितना हमें रिटर्न दे सकता है। तो उसको इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ऐसा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, लेकिन आप इंट्राडे में जरूर मोमेंट देता है क्योंकि वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक है। हमने जो भी फ्राइडे को वीडियो पोस्ट किया था, बहुत अच्छा, लोगों ने लाइक किया उसको, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि हमारे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है लॉजिक पे। अब वीडियो हमारा जाके देख सकते हैं कि हमने क्या क्राइटेरिया डाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि 25 का जो स्टॉक है उसमें हमें जो आया था डाटा, उसे हमें 26 जो 27 28 को ट्रेड करना है, वो किस बेसिस पर करना है। तो आप देखिए 25 का डाटा हमने रिकॉर्ड कर लिया है, एक फुली ऑटोमेटेड शीट है दोस्तों। देखिए आप जैसे हम यहाँ डेट चेंज करेंगे ये आपको डाटा आ जाएगा। हम एक बार रिकॉर्ड करते हैं कि हमें जो डाटा है कौन कौन से स्टॉक सिलेक्शन होकर आ रहा है। तो अभी मैं देखता हूँ कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं 2 दिन से जो बढ़ रहे हैं और जिसमें हमें ट्रेड करने की जरूरत है। तो इस प्रकार अभी मैं यहाँ से एक बार 0 यहाँ रिमूव कर लेता हूँ, फिर मैं देखते हैं कि कौन से स्टॉक है। तो आप इस प्रकार देखते हैं कि ये हमारे पास बहुत, ये 2000 स्टॉक में लगभग 5-6 स्टॉक ही सेलेक्ट होके आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो हमारे क्राइटेरिया बहुत टाइट रखा है ताकि हमारे जो स्टॉक सिलेक्शन हो गया वो अच्छा स्टॉक सिलेक्शन होके आया और हमें अच्छा रिटर्न दिया। देखें हमें ये स्टॉक आया था परसों भी 238 से 250, देखिए 236 238 250, उसके बाद 275, पूरा यानी 25.1 दिन का मोमेंट था। नेक्स्ट आज भी आया है, तो इस स्टॉक में अभी भी मोमेंट बचा हुआ है। इसको हम अगर चार्ट पे देखेंगे तो हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा दोस्तों हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया। आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने बहुत सारा लॉजिक लिख रखा है, बहुत सारा इसमें आप जहाँ जाएंगे कि इतना जब लॉजिक होगा प्राइस मोमेंट और क्या होना चाहिए तब जाके ये मनी फ्लो एनालिसिस होना चाहिए तब जाके इसमें होता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्राइटेरिया है और इस बेसिस पर जो भी स्टॉक आता है वो अच्छा हमें रिटर्न देता है। चलिए हम सबसे पहले इसके ऊपर चार्ट देखते थे कि चार्ट में क्या इंडिकेशन कर रहा है। तो DCM NVL अभी हम आपके सामने एक बार ओपन करते हैं, बारी बारी से हम इसका चार्ट देखेंगे। तो देखिए हम DCM NVL का चार्ट देखें, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अगर वन डे का चार्ट देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक किया, जो भी पैटर्न होगा आप देखें यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा रिटर्न ये दिया। और इसका नेक्स्ट टारगेट आपको हमें यहाँ से बहुत ऊपर दिख रहा है, लगभग नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ से आपको 306 के ऊपर दिख रहा है। अभी 285 से 306 पहला टारगेट रहेगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा फिर 335 का हमारा टारगेट दिखाई देगा ऊपर में। आप ये लेवल देख सकते हैं 335 का ऊपर का लेवल होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा खासा पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक होके चल रहा, आप ये पैटर्न देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं बहुत एक जो है हमारे क्राइटेरिया पर जो भी फिल्टर होकर आते हैं वो बहुत अच्छा खासा रिटर्न देख सकते हैं। आप देखें ये जो भी डब्ल्यू पैटर्न बना है इसके ऊपर ब्रेक किया, अपना हायर हाई जो है ये बना रहा है और जो है लोअर हाई बना रहा है, ये जो ब्रेकआउट का निशान है आप देख सकते हैं। और ये वॉल्यूम भी बहुत एक अच्छा खासा आया है, तो इसको हम आप सिलेक्ट करेंगे, इस पर हम जरूर बाइंग करेंगे। हमने इसमें जो है फ्राइडे को भी बाइंग किया था, हमारे सिलेक्शन में आया था। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक हमारा क्या है जो सिलेक्ट हो गया है, उसका चार्ट हमें पैटर्न क्या कर रहा है। तो आइस जो है इंडियन होटल है, AIHOTEL और इंडियन होटल भी है, दोनों है। तो एक बार हम इस स्टॉक को देखते हैं AIHOTEL, आप देखें कि AIHOTEL अभी हम आपके सामने इसका चार्ट पैटर्न खुलेगा और अभी देखें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ आज दिया है। एक दिन में आपको देखें 145 से 150 यानी लो 138 यानी लगभग 15% का रिटर्न, आप कहें कि 10-12% का रिटर्न, और ये अपने जो हाई को ब्रेक कर रहा है। आप देखें ये बहुत वॉल्यूम के साथ ही हाई को ब्रेक किया, जो भी आप देखें पूरे ये जो है एक महीने का जो वॉल्यूम है 2 महीने का उससे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा खासा इसका ब्रेकआउट होने वाला है। अगर आप वीकली चार्ट भी देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी देखें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। इसका ऊपर का लेवल हमारा 182 कब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो भी आया था इस लेवल के पास ब्रेकआउट जो है वो किया था और देखें पूरे कंसोलिडेशन के साथ ये जो है इस रेंज को पूरा ब्रेक कर रहा है। जैसे इस रेंज के ऊपर निकलता है 150-150 के ऊपर तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 180 और आपको 200 का टारगेट इसी में दिखाई देगा हमारे समझ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी वॉल्यूम का ब्रेकआउट है ये इसमें हो रहा है। तो ये हमारा जो भी सिलेक्शन है इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट सिलेक्शन होकर हमें दिखाता है। नेक्स्ट हमारा आपको इंडियन होटल है, इंडियन होटल का भी मैं प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि हमें क्या करें इंडियन होटल। इंडियन होटल का भी आप सेम पैटर्न देख सकते हैं कि इसमें पूरा वन वीकली जो है वीकली पूरा इस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, वीकली रेंज जो भी है। तो जो भी हमारे स्टॉक इस क्राइटेरिया में फिल्टर होकर आते हैं ये ऑल टाइम हाई पे है, तो इसको हम एक बार वैलिड भी कर सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हाई हो तो नहीं हो, हाई को ब्रेक करता है तो इसमें भी हमारे ब्रेकआउट के चांसेस है, बहुत अच्छा खासा चांसेस है। तो इस प्रकार आप जो है JSW KSL आप एक बार हम KSL का चार्ट देखते रहे, क्योंकि पूरे चार्ट देखना तो ये नहीं, आप बारी बारी से जाकर चार्ट देख सकते हैं और इसमें आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। हल्का फुल्का इसका फंडामेंटल भी देख सकते हैं, फंडामेंटल ये कल्याणी स्टील लिमिटेड जो है
कैसल देखें, एक अच्छा खासा ये जो है रेंज ब्रेकआउट कर रहा है और वॉल्यूम के साथ कर रहा है दोस्तों। यहां से जो भी स्टॉक है 316 के ऊपर जो चलेगा, वीकली है अगर आप वनडे के चार्ट पर देखें तो वनडे के चार्ट में भी देखें बहुत एक अच्छा खासा जो ब्रेकआउट है ये जो है यहाँ कंसोलिडेशन के साथ जो ब्रेकआउट कर रहा है वो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है। तो आप अगर इस पैटर्न को अगर ड्रॉ करते हैं जो भी पैटर्न है तो इस रेंज को इसने देखिए ब्रेक किया, जो भी ये रेंज है इसको ब्रेक किया है और इस रेंज के ऊपर देखिए निकला है। यहाँ जो है असेंडिंग जो है ट्रायंगल आप देख सकते हैं एक बना था और सीलिंग को ब्रेक करके बहुत बढ़िया ये पैटर्न जो देगा और वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो इसका नेक्स्ट लेवल ऊपर का आपको जो 375 और 400 के लेवल को दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये स्विंग ट्रेडिंग और इंटरडे के लिए बहुत अच्छा खासा स्टॉक हमारा सिलेक्ट होता है। इस प्रकार आप इस स्टॉक पर ट्रेड करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा आपको मुनाफा होने वाला है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हमें जो है 2000 स्टॉक्स में से स्टॉक फाइंड करना बड़ा मुश्किल है, एक स्टॉक को देखना। इसलिए हमारा ये क्राइटेरिया बहुत अच्छा क्राइटेरिया है और हम इसी क्राइटेरिया पे काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन के प्रकार करें ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल मुफ्त में तक पहुंच सके। दोस्तों डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के आधार बनाया गया है। इस वीडियो के आधार पर कोई भी बाई सेल होल्ड का पोजीशन क्रिएट न करें। बाई सेल होल्ड का पोजीशन क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें और उन्हीं के सलाह पर बाई सेल होल्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा करता हूं, आपका दिन प्रॉफिटेबल हूँ।